मुंबईत एल्फिन्स्टन इथं झालेल्या घटनेनंतर आता पुण्यातल्या बॉम्बे इंजिनिअरिंग ग्रुपच्या वतीनं 3 पूल बांधण्यात येणार आहेत. हे पूल फेब्रुवारीपर्यंत नागरिकांसाठी वापरण्याला खुले होतील असं यावेळी सांगण्यात आलं. पुण्यामध्ये या पुलांचं बांधकाम सुरू करण्यात आलं आहे, त्यासाठी विशेष यंत्रणा इथं उभारण्यात आली आहे. ब्रिगेडियर धीरज मोहन यांनी याविषयीची माहिती दिली. लष्कराच्या बॉम्बे इंजिनिअरिंग ग्रुपतर्फे मुंबईतल्या 3 रेल्वे स्थानकावर बांधण्यात येणारे पादचारी पूल फेब्रुवारीच्या अखेरीस नागरिकांना वापरता येणार आहेत. एल्फिन्स्टनच्या दुर्घटनेत 23 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर त्वरित पूल उभारण्यासाठी त्याची जबाबदारी बॉम्बे इंजिनिअर ग्रुपकडे सोपवण्यात आली होती. केंद्रीय संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे आदेश दिले होते. दिनांक 31 ऑक्टोबरला पूल तयार करण्याचा आदेश मिळाल्यानंतर 2 महिने प्रत्यक्ष पुलाचं बांधकाम, 1 महिना त्याच्या परीक्षणासाठी लागणार आहे. आता हे काम सोपं व्हावं यासाठी पुण्यात BEG इथं 3 स्टेशनच्या प्रतिकृती तयार केल्या जात आहेत. त्यात प्रत्यक्ष रेल्वे रुळाच्या रुंदीकरणा इतक्या प्लेट्स टाकून त्यावरून पूल उभारणीचा सराव केला जातोय. या ठिकाणी दररोज लोकलच्या फेऱ्या पाहता प्रत्यक्ष रविवारी काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ब्रिगेडियर धीरज मोहन यांनी याविषयीची माहिती दिली. जो हमारा एम बी वैली का ब्रिज है, जैसे आपको मालूम है कि 18 को लॉन्च हो चुका है और उसके बाद जनरली ब्रिज लॉन्च होने के बाद मैंने अपने लिए टाइम पीरियड 2 वीक्स का रखा हुआ है कि 2 वीक्स में डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी स्टेयर केसेज हैं, क्या है. जैसे एम बी वैली में थोड़ी ज़्यादा स्टेयर केसेज हैं तो एम बी वैली का जब ब्रिज लॉन्च हो जाता है तो मैं उसको 80% मान के चल रहा हूँ कि जैसे फेज 4 मेरा ख़त्म हो गया है, अभी फेज 5 सिर्फ स्टेयर केसेज वगैरह बैलेंस है. तो एम बी वैली में लगभग 90% मेरा काम हो चुका है एंड आप सब लोगों की गुड विशेज और मेरी टीम की कड़ी मेहनत से मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 31 जनवरी को इस ब्रिज को दे पाएंगे. और जो बाकी ब्रिज हैं, एल्फिन्स्टन ब्रिज जो है वो हम 26 और 27 की रात को इसको लॉन्च करने जा रहे हैं. तो 27-28 मॉर्निंग को आप इसका 80% ले सकते हो और लकीली वहाँ पर स्टेयर केस सिर्फ 2 ही हैं, तो मैं इसको उससे भी एम बी वैली से थोड़ा फास्टर कर पाऊँगा. और करी रोड में क्योंकि लैंड ही जो है मुझे 10 दिसंबर को हैंडओवर हुई थी तो उसके कारण जो है सब कुछ ऑलमोस्ट 3 वीक लेट चल रहा था. बट उसमें मेरी जो कोशिश है कि मैं जैसे आपको बताया कि 31 जनवरी को मैं उस ब्रिज को पूरा करने वाला था, पब्लिक कन्वीनियंस के लिए उसको 4 फरवरी रखा गया है लॉन्च करने का, तो उसके विद इन अगले 2 वीक्स के अंदर वो भी ब्रिज पूरा हो जाएगा. परसेंटेज में वो आप मतलब ये ले सकते हो कि 4 फरवरी को 80% क्रॉस कर जाएगा और आज की डेट में लगभग 60 से ऊपर है, 60 या 65% ले सकते हैं मोटे तौर पे. जैसे आपने पूछा, हमने इस काम को तेज करने के लिए और जो रेलवे की डिफ़िकल्टीज थी कि वहाँ का ट्रैफिक डिसरप्ट ना हो, हमने कुछ नए मेथड निकाले हैं जिसके अंदर के सबसे पहले था ये स्प्रेडर बीम का डिज़ाइन. क्योंकि मेरे लिए क्वेश्चन था ये, क्योंकि ये हमारी टीचिंग में नहीं है कि बेली ब्रिज को कैसे लिफ्ट करना है, 7 मीटर की हाइट पे कैसे लॉन्च करना है. तो हमने जो है बेली ब्रिज के लिए एक स्प्रेडर बीम डिज़ाइन किया जो कि इसके जो पिन्स हैं उस पर कोई लोड नहीं आने देता, इसको बिल्कुल आराम से लिफ्ट कर देता है और बहुत ही सेफ़ है, बिल्कुल साइंटिफिक मेथड है, सेफ मेथड है. उसके कारण इसको हमने जो ट्रायल थे उसके 6 तारीख को सक्सेसफुल ट्रायल किए गए और अभी तो हमने ब्रिज लॉन्च कर दिया है. और अभी मैं ये कहूँगा कि भारतीय सेना की में एक नई कैपेबिलिटी आ गई है कि किसी भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर या इवन वॉर के अंदर भी हम जो है 100 फीट का बेली ब्रिज, अगर हमें ये क्रेन अवेलेबल होती है जो कि सिविल में काफ़ी नंबर में अवेलेबल है, कोई इसकी कोई कमी नहीं है, तो हम ये 100 फीट या किसी भी स्पैन का ब्रिज. अंबिलवाली येथील पूल दिनांक 31 जानेवारीपर्यंत खुला केला जाईल. करी रोड एल्फिन्स्टन येथील पूल फेब्रुवारी महिन्यात खुला होईल अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. ब्युरो रिपोर्ट, पुणे.